अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं कि उर्दू इनपेज 2013 में किस तरह सही और गलत के आइकन को लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, इस तरह एक सही का निशान और घंटे का निशान किस तरह लगा सकते हैं जो पेपर्स वगैरह में आते हैं और किसी आंसर शीट में आते हैं ना। दुरुस्त जवाब पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। इस आइकन को और इस आइकन को किस तरह उर्दू इन पेज में हम लोग लगा सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग इस टू आइकन्स को बहुत ही आसानी के साथ किस तरह उर्दू इन पेज 2013 में लगा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। इधर जब आप अपना कर्सर रखें, इसके बाद इस फॉन्ट को चेंज करें। मिसाल के तौर पर इस एरियल फॉन्ट को आप चेंज करें विंडिंग्स में। मैं चेंज करता हूँ, इस पर क्लिक करें और W दबाकर विंडिंग्स आ जाता है। और विंडिंग्स पर क्लिक करें, दूसरा जो विंडिंग्स है ये आपको नज़र दिखाई देगा, जो दूसरा जो विंडिंग्स है उस पर क्लिक करें। ओके, इस पर क्लिक करें, इस दूसरे वाले पे, और यहाँ पर अपना कर्सर रखिए। Alt को प्रेस करते हुए 0252 लगा कर आइकन सही का आइकन बन जाता है। इसके बाद गलत का आइकन किस तरह कर सकते हैं, इस एरियल पर क्लिक करें, फिर विंडिंग्स को सेलेक्ट करें और दूसरा विंडिंग्स को सेलेक्ट करें, फिर Alt प्लस करके 0251 को प्रेस करें और गलत का आइकन बन जाता है। तो अगर इसमें कोई परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।